साउथ की पिक्चर ज़्यादातर थर्सडे रिलीज़ होती है, ये लोग थर्सडे को रिलीज़ करते हैं और हिंदी में फ्राइडे करते हैं, लेकिन ये लास्ट शो फ्राइडे चला है, पता नहीं क्यों ऐसा किया। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों, विजय देवराकोंडा का डेब्यू हुआ है बॉलीवुड में, पिक्चर का नाम है लाइगर, साला क्रॉस ब्रीड, और हमारे साथ में आ गए हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी, पिक्चर भी मासेस एंटरटेनर ऐसा बोल के प्रमोट किया था, कैसे लगी आपको पिक्चर? 2 घंटे 20 मिनट की पिक्चर है, अगर कहा जाए तो बिलो एवरेज सर, लग रहा था बहुत ज़बरदस्त होगी, इस बार साउथ की पिक्चर इतनी दमदार लगी नहीं कि हमने सुल्तान भी देखी है, दंगल भी देखी है, पहलवान भी देखी है, करेक्ट, तो पूरा ऐसा मिक्स लगा। अच्छा, हीरो एक्टर अच्छा है, हकलाता है, डायलॉग डिलीवरी कम बताएगी क्योंकि हकलाता है इसलिए तो डायलॉग कम मिले उसके, डायलॉग कम मिले, एक्शन मतलब एकदम साइको टाइप, जैसे कबीर सिंह में शाहिद कपूर थी, बहुत गुस्सा आता है, मतलब उस टाइप का उसका ये है, एक्शन दिया है ओके, और उसकी माँ है और मैया, बाहुबली वाली उसकी माँ है, उसका बाप एक फाइटर था ओके, तो उसके पति को नहीं देख पाई एक ये चैंपियन बनते हुए, उसके बेटे को बनाना चाहती है। अच्छा, रोनित रॉय मास्टर है, रोनित रॉय काम बहुत अच्छा है, वो एक बताया कि ठीक है सिखाने के लिए तो उसे पैसा चाहिए, मतलब मेरे पैसा है ही नहीं, तो उसके माँ को पता था कि ये 2004 में कुछ फाइट हार गया था, मतलब मैं उसी का बेटा है, तो चलो ठीक है मैं उसको सिखाता हूँ, वहाँ से कहानी शुरू होती है, इसमें अनन्या पांडे आ जाती है। अच्छा, आगे अनन्या बीच में आ गई समझ में आया, स्टोरी लाइन ऐसी चलती है कि डायरेक्ट उसको गाने में पता है। अच्छा, डायरेक्ट स्टार्ट, गाना अच्छा था, फिल्म में गाने बहुत है, बहुत ज़्यादा गाने अच्छे है, हालांकि लिप्स हमको समझ में नहीं आती, लिरिक्स, अच्छा लिरिक्स समझ में नहीं आ, आजकल के गाने समझ में नहीं आते, इतने फास्ट गाने, डिस्को गाने, ओके अच्छे, बराबर, देखने में अच्छा लगता है। अच्छा, लिरिक्स हमको पता नहीं, प्रेजेंट अच्छा किया, जी हाँ ओके, जैसे कि पुराने गाने हम आज भी बोलो, 50 साल के गाने आज भी बोल सकते हैं, अभी के गाने बोल सकते हैं, सिर्फ देखने के, गाने अच्छे हैं, म्यूजिक अच्छा है, डांस अच्छा है, एक्शन अच्छा है, लेकिन स्क्रीन पे कहीं इधर उधर चले जाता, गड़बड़ हो गया स्क्रीन पे, जी हाँ, एक्शन मतलब ओवरडोज एक्शन है, ज़्यादा गाने हैं, लव एंगल कहाँ से आ गया पता नहीं, उसकी माँ बोलती किसी लड़की से प्यार नहीं करना, कि तेरा फोकस है सिर्फ एक्शन, बस चैंपियन ही बनना है, बस यही फोकस रखना, रोनित रॉय भी यही कहता है कि किसी लड़के के लफड़े में मत पड़ना, तो चैंपियन बनना है, फिर भी उसको लव हो जाता है, और अनन्या पांडे एक बड़े बाप की बेटी है, मतलब ऐसे बताया, उसका बाप भी है चंकी पांडे, वो तो है ही बड़े बाप की बेटी, तो ये फॉरेन में होता है, उसको वहाँ से वहाँ लेके आते हैं, मतलब कुछ बात हजम नहीं हुई कुछ, सुल्तान देखी हमने, इंटरनल के बाद पूरा एक्शन ही, सुल्तान में जो बताया ना वही कट 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 ओके, और एंड में जो माइक टायसन आता है वो अंडरवर्ल्ड डॉन बताया, अच्छा अंडरवर्ल्ड डॉन दिखाया है माइक टायसन को, अनन्या पांडे को उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि चंकी पांडे ने लोन लिया था, बहुत बड़ा लोन लिया था, तो हीरो कहता है कि आप पैसे दे दीजिए, चेक दे दीजिए, बोलते नहीं मैं तो अंडरवर्ल्ड से लिया लोन, अंडरवर्ल्ड से लोन लिया तो कहाँ से पेड करूँ, तो ये बात बोलते मैं जाता हूँ, वो जाता है तो देखता माइक टायसन, अरे बाप रे, जो इसका हीरो है उसकी पूजा करता है, अरे बोलते ये सर, बोलते आप वहाँ से, फिर उनकी फाइट शुरू होती है, अरे उनके साथ फाइट बताए यार, ऐसे दिखाना चाहते ठीक है तू मुझे, तू मेरा फैन है, तू मेरी पूजा करता है, उस कॉम्प्रोमाइज करने का था, फाइट कैसे बता सकते हो, और हार क्यों जाते हो माइक टायसन, ठीक है अगर एक्शन बताए तो चलो ठीक है, पर तेरे में दम है, तो इतना लड़ा, अच्छी बात है, वहाँ कुछ माफ़ करना था, ये कुछ मज़ा आया नहीं, कुछ चैंपियन बनता है कि नहीं आखिर में वो बताया नहीं, लास्ट का क्लाइमैक्स में जो लास्ट का फाइट था वो बताया नहीं, लोग ने फाइट ही नहीं दिखाया, क्लाइमैक्स बताना, ये लोग वहाँ स्टेडियम में देख रहे, इंतजार कर रहे, पर लाइव देख रहे थे, माइक टायसन से फाइट कर रहे हो, मज़ा नहीं आया, कुछ मज़ा नहीं आया, क्लाइमैक्स मज़ा नहीं आया, क्लाइमैक्स में दम नहीं था, दम नहीं था, पिक्चर का पूरा स्क्रीन प्ले हिल गया,
फर्स्ट हाफ तो ठीक ठाक लगा, इंटरवल के बाद तो सब एक्शन एक्शन है और गाने ज़्यादा है। हालांकि गाना अच्छे है, गाना देखने में अच्छा लगता है। अनन्या पांडे का ग्लैमर दिखा है, चंकी पांडे है, प्रणीत रॉय, रमैया, सबका काम अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक को बैठ नहीं पाती, पब्लिक बैठ नहीं पाती, बोर होती है पब्लिक, बोर होती है। अंदर क्या रिएक्शन था पब्लिक का? पब्लिक का रिएक्शन था, कुछ आजू बाजू से कुछ लोग तो सो गए थे, कुछ कपल बैठे थे, मतलब कुछ अच्छा बोर हो गए लोग, वो बात बनी नहीं कि डायलॉग दमदार हो, एक्शन तो बहुत ही है, डायलॉग भी कोई दमदार नहीं, ठीक है। ट्रेलर में जैसे दिखाया था नहीं, वाट बस, लगा देगा, बस वही पता, हम इंडियन है, हम वाट लगा देंगे, ठीक है ना। तो आगे तो पता कुछ क्लाइमेक्स दिखाना चाहिए, अच्छा करेक्ट परफेक्ट एंड होना चाहिए, नहीं वो नहीं पता। हर बार करण जौहर की अगर पिक्चर लेते हैं हम तो एक हैप्पी एंडिंग हर बार हमको दिखाई देती है। करण जौहर की पिक्चर हम देखते तो उसकी फिल्म ज़्यादा लव होता है उसमें, हाँ ग्लैमर लव, अच्छे गाने वो होता है, करेक्ट। इसमें वो बात नहीं है, अच्छा वो बात दिखाई नहीं, वो बात दिखाई नहीं। और अनन्या की जब आते हैं स्क्रीन पे तो दोनों कैसे लग रहे, बाप और बेटी, एक ही सीन बताइए। अच्छा चंकी पांडे के तो मुझे सब कुछ पता है, लेकिन वो मेरी बेटी तुझे अभी भी प्यार करती है, ओके, इसलिए छोड़ना नहीं चाहता है, बस वही टिपिकल स्टोरी, ओके, और नया पन्ने। आखिर में जो रीमेक गाना दिया है कोका, करण जौहर का ट्रेडमार्क है कि एक रीमेक गाना देते ही हर बार पिक्चर में, सूर्यवंशी से देखते हुए यार, बोलो मैं बोला ना गाने सब अच्छे है, लेकिन हम बार बार सुन नहीं सकते, बार बार दोहरा नहीं सकते, रिपीट वैल्यू नहीं, लिरिक्स समझ में नहीं आता, म्यूजिक जोरदार है, डिस्को गाने, अच्छा बस ये समझे डिस्को गाने कहीं पर पार्टी में बजेंगे। ओके विजय जी, पोस्टर पे दिया है 25 अगस्त का डेट, जी करण जौहर ने 25 अगस्त को हिंदी में रिलीज नहीं की पिक्चर, लास्ट का शो दिया, लास्ट शो दिया 12 का, जी इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये लोग साउथ की पिक्चर ज़्यादातर थर्सडे रिलीज होती है, ये लोग थर्सडे को रिलीज़ कर दे और हिंदी में फ्राइडे कर दे, लेकिन ये लास्ट शो फ्राइडे चला है, पता नहीं क्यों ऐसा किया, क्या मतलब अगर थर्सडे बोला है डेट, देखो 25 अगस्त थर्सडे है तो 12 से ही लगा दो ना शो, आपका क्या कहना है विजय? हाँ ये 12 से लगाना चाहिए, इन्होंने तमिल और मलयालम में पिक्चर चलाई और लास्ट शो सिर्फ हिंदी रखा, यस गलत है ये, हाँ ये तो गलत ही है, 2525 हर भाषा में 2525 को लगा दीजिए ना आप, बराबर क्यों ऐसा कहिए तमिल में क्यों ऐसा, तो ये थोड़ा गड़बड़ है। और बाकी जितनी भी साउथ की पिक्चर थी सुपर हिट लगी है, यस तो ये इस मुकाबले में नहीं है, ये मुकाबले में वो नहीं है, ओके चलिए फिर भी आउट ऑफ 5 ठीक है, बिलो द एवरेज बोलूंगा मैं, बिलो एवरेज बोलेंगे, ओके डिसअपॉइंट हो गए आज के दिन हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी, आपका ऑनेस्ट रिव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा विजय जी, थैंक यू, क्योंकि बहुत सारे लाखों आम लोग आपकी आवाज सुनने के लिए रुके थे, जब आपका रिव्यू आता है तभी जाके टिकट बुक होती है, टिकट विंडो पे आम आदमी आप पे बहुत भरोसा करता है, थैंक यू विजय।